नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बात की थी सब्जेक्ट क्या है, उसके क्या मायने हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है, कौन कौन से अलग अलग टॉपिक्स हैं, किस सब्जेक्ट में क्या वेटेज है। बिकॉज मेरे हिसाब से सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में डायरेक्टली पहले टॉपिक्स पर जाने से पहले बात करूँगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आखिर है क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या लेना देना है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्या लेना देना है, और वो क्या रीज़न है दोस्तों कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इतना पॉपुलर हो गया। बिकॉज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह ही बिल्कुल इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने है, मैनेज करने का एक सिस्टम है। तो आज के टाइम पर डिजिटल डिवाइसेज इतने पॉपुलर क्यों हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्यूटर से क्या लेना देना है। बिकॉज आप समझिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है उसके अंदर तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में ये सारी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, एनालॉग सिस्टम क्या है, डिजिटल सिस्टम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आखिर है क्या। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आखिर है, कहाँ ये आया, कहाँ से, और उसके बाद समझेंगे कि सब्जेक्ट में एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं। देखिए, पहले बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझेंगे वो क्या। मान लीजिए कि सिर्फ तीन ही कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस हमारे पास हैं, जो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और सिविल है। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें या इन जनरल इंजीनियरिंग की बात करें तो समय के साथ टेक्नोलॉजी में बहुत चेंज हुआ है और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट में चेंज होता है। तो जैसे जैसे दोस्तों चेंज होता रहता है, उसी हिसाब से एजुकेशनल सिस्टम भी अपने आप को चेंज करता रहता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोस्तों सबसे पहले पेरेंट एक ब्रांच हुआ करती थी जिसमें हम मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर हैवी वोल्टेजेस या फिर बोल सकते हैं आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हम स्टडी किया करते थे। एक बार डेफिनेशन देखिएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट जनरली डील्स विद स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मोस्टली हायर वोल्टेज डिवाइसेस के साथ डील करते हैं। अगर फर्स्ट में आपको थोड़ा सा आइडिया हो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कॉमन ब्रांच, कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो मोटर्स कैसे काम करते हैं, थ्री फेस मोटर, इंडक्शन मोटर एंड ऑल, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्टन, थेल्विन, वो सब थ्योरम्स वगैरह पढ़ाते हैं। तो हैवी वोल्टेजेस के साथ मोस्टली हम डील करते थे। अब इलेक्ट्रिकल का ही दोस्तों पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर हम लोअर वोल्टेजेस के साथ सेमीकंडक्टर, डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, इन सब के साथ डील करते थे। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया 1960s 70s, तो इन डिवाइसेस की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ सेपरेट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दोस्तों डेवलप हुआ। यहाँ पे डेफिनेशन देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेयर वी वर्क्स ऑन लोअर वोल्टेज डिवाइसेस सच एज सेमीकंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आज भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ बहुत पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वहां पे कभी कभी आपको कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट नहीं मिलता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है जिसके अंडर में सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। तो खैर, अगर मोटा मोटा फर्क समझें तो इलेक्ट्रिकल की उस ब्रांच को दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं जहां पर हम लोअर वोल्टेज डिवाइसेस के साथ डील करते हैं, मोस्टली प्लस 5 वोल्ट या माइनस 5 वोल्ट। अब ये बात तो हुई दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स को भी आप फर्दर मान सकते हैं कि दो टाइप में, इलेक्ट्रॉनिक अगर कोई सिस्टम है तो उसको दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम। आप समझते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दो तरह के हो सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो एक एक करके पहले दोनों के बारे में जानते हैं दोस्तों। पहले बात करते हैं एनालॉग डिवाइस की। तो देखिए, एनालॉग सिस्टम, कंटिन्यूस वैल्यू आर यूज्ड टू डिनोट द इन्फॉर्मेशन, एनालॉग सिग्नल इज डिफाइंड एज एनी फिजिकल क्वांटिटी विच वेरीज कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, कंटिन्यूस वैल्यू। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, जैसा मैंने बोला कि इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लोअर वोल्टेजेस में डील करते हैं, तो नॉर्मली लिमिट होती है दोस्तों 5 वोल्ट्स, तो From 0 to plus 5 volt and lower 5 volt, और continuous waveform आपको मिलता है to represent information, है ना। तो दो तीन बात आपको ध्यान रखनी है कि एक तो जो भी physical quantities है वो continuous रहती है with respect to time। Examples की जैसे बात कर सकते हैं, तो जितने भी पुराने devices दोस्तों हैं वो सबके सब analog device हुआ करते थे electronics में। जैसे radio ऐसा device है जो मे भी आपने देखा होगा, जिसमें tuning करते थे, एक अगेन सर्कुलर बटन हो रहा है, उसको rotate कर
रहे हैं, और अभी भी पुराने घर के अंदर पुराने रेडियोज कभी कभी मिल जाते हैं, या एम्पलीफायर है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, कुछ टेक्निकल एग्जाम्पल्स हैं जिसके बारे में इन जनरल हम सीएस वाले स्टूडेंट्स इतना नहीं जानते, बट लेट मी से वॉचेज हैं या जितने भी डिवाइसेज हैं, थर्मोमीटर हैं, वो सब एनालॉग डिवाइसेज हुआ करते थे। आज के टाइम पे दोस्तों हम देखते हैं कि वो सारे चीज़ें जो हैं वो रिप्लेस हो रही हैं डिजिटल डिवाइसेज से, डिजिटल सिस्टम से। वो क्या है, देखिए डिजिटल सिस्टम हियर इंफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। तो यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यूस वेव फॉर्म नहीं है, सिस्टम के अंदर जो वैल्यूज हैं वो डिस्क्रीट होती हैं, आगे पढ़ेंगे। और डिजिट्स नॉट डिजिटल सिग्नल्स इज डिफाइंड एज एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिस्क्रीट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए जितने भी डिवाइसेज जो पहले एनालॉग हुआ करते थे आजकल वो हो गए डिजिटल। फॉर एग्जाम्पल वॉचेज हैं, कैलकुलेटर्स हैं, इवन थर्मोमीटर हैं, वेट मशीन्स हैं, तो सारे के सारे डिवाइसेज दोस्तों हो गए हैं डिजिटल। अब ये तो थोड़ा सा हमने आइडिया समझा, बहुत बेसिक बात, कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस वेव फॉर्म्स में होती है और यहाँ पे डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर दोनों तरह के डिवाइसेज हैं दोस्तों, एनालॉग और डिजिटल, तो आजकल डिजिटल डिवाइसेज की इतनी वैल्यू क्यों है, क्यों डिजिटल डिवाइसेज इतने पॉपुलर हो रहे हैं? तो मेरे ख्याल से अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि क्या एडवांटेजेस हैं डिजिटल डिवाइसेज के। तो फर्स्ट वन देखिएगा, डिजिटल सिस्टम आर इजी टू डिजाइन बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर साउंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल नॉलेज, यूजेस ओनली स्विचिंग सर्किट। देखिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल डिवाइसेस को बनाना बहुत आसान है। और एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे मॉड्युलैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंप्यूटर पीसी है ना, आपको असेंबल करना है एक पर्सनल कंप्यूटर, तो क्या हर इंडिविजुअल डिवाइस को आपको बनाना पड़ेगा? जी नहीं, मार्केट में अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, आपको सिर्फ उसको लाना है और असेंबल करना है। और यहाँ पर हम टेक्निकली डिजाइनिंग करने की बात करेंगे तो एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपको सिर्फ बूलियन अलजेब्रा पता होना चाहिए, उसके बाद आप एक एक्सप्रेशन निकालते हो, उसको लॉजिक गेट्स यूज करके, सर्किटरी यूज करके रियलाइज करते हैं। और लॉजिक गेट्स आपको इंप्लीमेंट नहीं करने, वो मार्केट में अवेलेबल है, जस्ट आपको सर्किटरी कनेक्ट करनी होती है। तो देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज, डिजिटल डिवाइसेस को बनाना, उनको मैनेज करना, उनको असेंबल करना बहुत आसान होता है कंपेयर टू एनालॉग डिवाइस। तो अगला पॉइंट देखते हैं, वो क्या है, स्टोरेज फॉर लॉन्गर टाइम एंड प्रोसेसिंग ऑन इंफॉर्मेशन इज इजी। एक तो डिजिटल डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना बहुत आसान है, और समय के साथ आप देख रहे हैं कि हमने कितना दोस्तों इंप्रूवमेंट किया है। आज के टाइम पे बहुत छोटे छोटे मेमोरी कार्ड बिल्कुल नखून के बराबर आते हैं, हैविंग स्टोरेज अप टू 64 GB, 128 GB। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट किया है, कितने छोटे स्पेस में आप कितना बल्क अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है दोस्तों, डिजिटल डिवाइसेस की स्पीड बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लैपटॉप पर भी चेक करेंगे तो मे बी आई थिंक प्रोसेसर होगा 2.3 GHz, तो इतनी स्पीड होना देखिए बहुत सिंपल बात है। एक बार समझिए इसका मतलब क्या है, गीगा मींस 10^9, तो अगर इसको कन्वर्ट करता हूं तो 2, 3 के बाद 8 जीरो आने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एंड हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों अगर मैं इसको इंडियन सिस्टम में ट्रांसलेट करता हूं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, 10 lakh crore, 10 crore arab, आपका कंप्यूटर दोस्तों इतनी स्पीड से क्लॉक घूम रही होती है कि 1 सेकंड में 2 अरब 30 करोड़ बार दोस्तों क्लॉक स्विच करती है। तो यू कैन इमेजिन द स्पीड जो एनालॉग डिवाइसेस या फिजिकल डिवाइसेस की या मैग्नेटिक डिवाइसेस के साथ दोस्तों कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, दे प्रोवाइड बेटर एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज जब बाद में थर्ड इंप्लीमेंटेशन समझेंगे तो ये सब पॉइंट्स आपको टेक्निकली समझ आएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। बाइनरी सिस्टम के अंदर या डिजिटल सिस्टम के अंदर में सिर्फ नंबर ऑफ बिट्स बढ़ानी होती है और प्रिसीशन बढ़ जाता है। आप जितना ज्यादा स्पेस यूज करेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिलने वाली है। ऑल्दो एनालॉग डिवाइसेस के साथ दोस्तों इतना एग्जैक्ट प्रिसीशन लेना, एक्यूरेसी लेना बहुत मुश्किल काम होता है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डिजिटल डिवाइसेस का। अगली बात करें, दे आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइस, आइदर साउंड, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड, वॉट एवर। देखिए बिकॉज डिजिटल डिवाइसेस का जो नेचर है वहां इंफॉर्मेशन लॉजिक 0 लॉजिक 1 में प्रोसेस हो रही है, तो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक या फिर लाइट, बहुत सारे तरह की नॉइस हो सकती है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता डिजिटल डिवाइसेस पे। जबकि बाकी जो डिवाइसेस है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर आपको याद हो कंपास, अगर किसी ने यूज़ किया, अगर आप एक सिंपल मैग्नेटिक कंपास यूज़ करेंगे और उसको किसी इलेक्ट्रिक लाइन के पास लेके जाएंगे तो वो डिफ्लेक्शन आएगा और वो थोड़ा एरर आपको दिखाने वाला है, लेकिन गूगल मैप्स के साथ अब ये प्रॉब्लम नहीं है, डिजिटल कंपास के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉइस का दोस्तों बहुत ही कम इफेक्ट होता है जिससे एक्यूरेसी दोबारा हमारी बढ़ती है। अगेन बेटर मॉड्युलैरिटी एंड
इजी फैब्रिकेशन, इट मींस साइज विल बी वेरी स्मॉल। देखिए ये तो फैक्ट है, आज के टाइम पे तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इवन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। सुपर से सुपर कंप्यूटर आप देखिए, उनके जो प्रोसेसर्स हैं, अगर आपको थोड़ा सा शौक है पीसी असेंबल करने का, तो मान के चलिएगा अगर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर भी आप लेके आते हैं इंटेल का, तो हार्डली आई थिंक एग्जैक्ट उसका साइज होगा मे बी 1 square centimeter या 1 square inch मैक्स। तो आप समझिए छोटे छोटे प्रोसेसर हैं जो इतनी हाई स्पीड से प्रोसेसिंग करते हैं और मिलियंस ऑफ गेट बहुत छोटे छोटे स्पेस में आप फैब्रिकेट कर पा रहे हैं, जो कि एनालॉग डिवाइसेस के साथ करना पॉसिबल नहीं था। तो साइज होता जा रहा है दोस्तों समय के साथ छोटा, और क्वालिटी और स्पीड होती जा रही है बेटर। ये बहुत एडवांटेज है डिजिटल डिवाइसेस के साथ। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्चुअली मैटर करता है वो है कॉस्ट। दोस्तों डिजिटल डिवाइसेस की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, और यही सब रीजन है कि आप देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में धीरे धीरे डिजिटल डिवाइसेस रिप्लेस करते जा रहे हैं एनालॉग या पुराने डिवाइसेस को। जैसे मैं आपसे बोल रहा था, चाहे वो रेडियो है, वो कैलकुलेटर है, आपकी वॉचेस हैं, थर्मोमीटर है, वेट मशीन है, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ डिजिटल डिवाइसेस रिप्लेस कर रहे हैं। तो यही सब एडवांटेज है। जैसे अगेन हमने समझा, इंजीनियरिंग बहुत आसान है, समझना आसान है, पढ़ना आसान है, बनाना आसान है, कॉस्टिंग में बहुत सस्ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक आइडिया दोस्तों आपको समझ आया होगा कि डिजिटल डिवाइसेस का क्या एडवांटेज है और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से आया। तो इस वीडियो में मुझे दीजिए इतना ही समय, इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और अगली वीडियो में बात करूंगा थोड़ा सा एडिशनल की डिजिटल जो डिवाइसेस है उसके अंदर बूलियन अलजेब्रा वो क्या है, क्या मैथमेटिक्स है, उसको कैरी फॉरवर्ड करते चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।